जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकियों से सुरक्षा बलों का एनकाउंटर तो खत्म हो गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन हमारे 3 सुरक्षा बल के जवान भी शहीद हो गए हैं। जो आतंकी मारे गए वो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बेड के सदस्य थे। पाकिस्तान लगातार आतंकी भेज रहा है और आतंकी गतिविधियों को हवा दे रहा है। कल सऊदी अरब में एक बार फिर नवाज शरीफ को इस मामले में काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान लगातार वही हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ के सामने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं है और आतंकवाद की लड़ाई भगवान और शैतान के बीच की जंग है। सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि जो देश आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं वो बाज आ जाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत जिस तरह से आतंकियों को बर्दाश्त कर रहा है उससे अमेरिका भी वाकिफ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि आतंकी खुदा को नहीं मौत की पूजा करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ जंग भगवान और शैतान के बीच लड़ाई जैसी है। ट्रंप ने कहा कि जब लोग मारे जा रहे हों तो ये आस्था नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई, शिया हो या फिर सुन्नी, वो ईश्वर की संतान है। ट्रंप ने साफ किया कि वो सिर्फ भाषण देने नहीं आए हैं। ट्रंप की बातों से साफ है कि वो पाकिस्तान को भी बताना चाहते हैं कि अब आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीर में चल रहे इस एनकाउंटर को 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। कुपवाड़ा का नौगाम एक बार फिर लंबी मुठभेड़ का गवाह बना है। इस एनकाउंटर में 4 पाकिस्तानी आतंकी मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन में सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं। खबर है कि कुछ और आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये मारे गए 4 आतंकी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिन्हें हम बुजदिल एक्शन टीम कहते हैं, उसी का हिस्सा थे। इस बार इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और ये एक ऐसा वक्त है जब ऊपर पहाड़ों पे बर्फ पिघल गई है और अभी जो है पाकिस्तान की तरफ से बहुत से टेररिस्ट यहाँ आ रहे हैं, उसकी खबर मिल रही है। जाहिर है पाकिस्तान की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी घुसपैठ में कामयाब हो, लेकिन ज्यादातर कोशिश नाकाम रही है। कश्मीर के माध्यम से भारत को डिस्टेबलाइज करने की, भारत को कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश होती रहती है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कश्मीर की समस्या का परमानेंट सोल्यूशन हमारी गवर्नमेंट निकालेगी, अस्थायी समाधान उसका निकालेगी। भारत जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों को बर्दाश्त कर रहा है उससे अमेरिका भी वाकिफ है। सऊदी अरब के दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना कि भारत आतंकवाद के निशाने पर है और जो देश आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं वो बाज आए। Few nations have been spared the violent reach of terrorism. America has suffered repeated. India, Russia, China and Australia have all been victims. But in sheer numbers, जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का चेहरा देखने लायक था। सवाल है कि क्या पाकिस्तान एहसास होने के बावजूद बाज आएगा? Our armed forces have set an example for the whole world in cleansing these barbarians from their portholes. I am grateful to Almighty Allah for bestowing this honor and pride on me to command such a brave, professional and dedicated army, and I have no hesitation in saying that ours is the best army in the world. General Bajwa, Pakistani Sena ki hausla afzai is tarah kar rahe the, jaise kisi badi saazish ko anjaam dena ho. Waise Jadhav par antarrashtriya court mein haar ke baad Pakistan bokhlaya hua hai, wo phir LOC par aisi himakat kar sakta hai. Srinagar se Khalid Hussain ke saath Bureau Report, Zee Media. एक तरफ ट्रंप पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं है क्योंकि बॉर्डर के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां लगातार हो रही हैं।